नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडुपीडिया 700 पर। आज हम राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के पुस्तक रश्मि रथी के बारे में चर्चा करेंगे। रश्मि रथी, जिसका अर्थ सूर्य के सारथी होता है, और ये हिंदी के महान कवि जिन्हें राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। रश्मि रथी में कुल 7 सर्ग हैं, जिसमें कर्ण के चरित्र के सभी पक्षों का सजीव चित्रण किया गया है। रश्मि रथी में दिनकर ने कर्ण की महाभारतीय कथानक से ऊपर उठाकर उसे नैतिकता और वफादारी की नई भूमि पर खड़ा कर उसे गौरव से विभूषित कर दिया है। रश्मि रथी में दिनकर ने सारे सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को नए सिरे से जांचा है। चाहे गुरु शिष्य संबंधों के बहाने हो, चाहे अविवाहित मातृत्व और विवाहित मातृत्व के बहाने हो, चाहे धर्म के बहाने हो, चाहे छल प्रपंच के बहाने। युद्ध में भी मनुष्य के ऊंचे गुणों की पहचान के प्रति ललक का काव्य है रश्मि रथी। रश्मि रथी यह भी संदेश देता है कि जन्म अवैधता से कर्म की वैधता नष्ट नहीं होती। अपने कर्मों से मनुष्य मृत्यु पूर्व जन्म में ही एक और जन्म ले लेता है। अंततः मूल्यांकन योग्य मनुष्य का मूल्यांकन उसके वंश से नहीं, अपितु उसके आचरण और कर्म से ही किया जाना चाहिए। यही न्याय संगत है। रश्मि रथी में स्वयं कर्ण भी अपने मुंह से कहता है कि मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में नहीं कोई है अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पता होगा। रश्मि रथी पुस्तक के परिचय में दिनकर जी कहते हैं कि कर्ण चरित्र के उद्धार की चिंता इस बात का प्रमाण है कि हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। इसी प्रकार व्यक्ति अपने निजी गुणों के कारण जिस पद का अधिकारी है वह उसे मिलकर रहेगा, और यहां तक कि उसके माता पिता के दोष भी इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकेंगे। कर्ण चरित्र का उद्धार एक तरह से नई मानवता की स्थापना का ही प्रयास है, और मुझे संतोष है कि मैं इस प्रयास में मैं अकेला नहीं, अपने अनेक सुयोग्य सहधर्मियों के साथ हूं। कर्ण का भाग्य सचमुच बहुत दिनों के बाद जगा है। यह उसी का परिणाम है कि उसके पास जाने के लिए आज जलयान पर जलयान तैयार हो रहे हैं। जहाजों के इस बड़े बेड़े में मेरी ओर से ये छोटी सी डोंगी ही सही। दिनकर जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। भारतीय समाज, भारतीय जाति व्यवस्था, भारतीय कुल व्यवस्था के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में, और इसी तरह से ये रश्मि रथी महाखंड काव्य आगे बढ़ता रहता है और कर्ण के संपूर्ण मानव चरित्र को ये दर्शाता है। तो साथियों, हम इसमें रश्मि रथी के 7 सर्ग हैं, और इनको हम धीरे धीरे अलग अलग भागों में सर्ग प्रति सर्ग जो है हम इसकी एक वीडियो बनाएंगे, और अगली वीडियो हमारी प्रथम सर्ग होगी। तो आप प्रतीक्षा करते रहें और बने रहें हमारे चैनल एडुपीडिया 700 पर। धन्यवाद। जय हिंद।